अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए 5 वर्षों के लिए भारत में केवल इंदौर शहर का चयन किया गया है। इसके तहत इंदौर शहर की अब हवा को स्वच्छ बनाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाएंगे। स्वच्छता के कार्यक्रम के संचालन और रूपरेखा के साथ अब शहर साफ हवा के लिए क्लीन एयर कैटलिस्ट टीम के साथ भी काम करेगा। संस्था US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट व अन्य मुख्य पार्टनर जैसे EDF WRI के सहयोग से यहाँ के क्लीन एयर कैटलिस्ट कार्यक्रम की शुरुआत होगी। वहीं आपको बता दें कि इंदौर का चयन इस प्रोजेक्ट के तहत इसलिए किया गया क्योंकि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर नगर निगम व मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से शहर में स्वच्छ व शुद्ध हवा के लिए परियोजना का संचालन 5 वर्ष तक किया जाएगा। निगमायुक्त प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्यक्रम के संचालन व रूपरेखा पर क्लीन एयर कैटलिस्ट टीम के साथ चर्चा हुई। सोर्स अवेयरनेस स्टडी व अन्य इंटरवेंशन पर भी चर्चा की गई। परियोजना के अगले चरणों में स्वास्थ्य जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर कार्य किया जाएगा। पहले चरण में अवेयरनेस स्टडी के लिए 1.2 करोड़ का मॉनिटरिंग इक्विपमेंट लगाया जाएगा। देश के स्वच्छ शहर इंदौर की लगातार स्वच्छता में उपलब्धि का यही परिणाम है कि आज क्लीन एयर कैटलिस्ट के लिए अहिल्या नगरी को चुना गया है। तो वहीं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी अगले चरण में परियोजना में भाग लेगी। बैठक में अपर आयुक्त संदीप सोनी, अधीक्षण यंत्री महेश शर्मा, कौशिक हजारिका, भव्य शर्मा, मेघा नामदेव दुबे व अन्य उपस्थित रहे। पूरे विश्वव्यापी जो इस समय का सिनेरियो है उसमें क्लीन एयर को ये माना जाता है कि हमारे यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का क्या है, और जिस शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहता है वो उस शहर के लोगों के लिए वो शहर उतना अच्छा रहने लायक होता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आजकल की जो अधिकतर बीमारियाँ हैं वो वायु प्रदूषण की वजह से होने वाली बीमारियों की संख्या और मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो इसी संबंध में USAID ने WRI के साथ में मिलकर ये एक क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने पूरे विश्व भर में 2 शहरों का चयन किया है, एक इंडोनेशिया से जकार्ता का और इंडिया से इंदौर का। उद्देश्य इसके पीछे ये है कि हम लोग जो USAID की टीम है और WRI की टीम है वो निगम की टीम के साथ में मिलकर, जिसमें MPPCV का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी टीम रहेगी, इसमें ये पूरी स्टडी की जाएगी जिसको सोर्स अपॉर्चुनमेंट स्टडी कहते हैं, जिसमें बेसिकली उन सोर्सेज की स्टडी होती है, उनका आइडेंटिफिकेशन होता है जिनकी वजह से शहर में पोल्यूशन होता है। इसमें ना सिर्फ शहर का बल्कि शहर के आसपास का जो एरिया है उसके कारण भी यदि हमारा वायु प्रदूषण का स्तर या सूचकांक बढ़ता है तो उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये 3 तरीके से काम करेगा। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन होगा ऐसे सोर्सेज का। दूसरा, इसको कैसे समाप्त किया जाए या कैसे कम किया जाए, इसके रणनीति और इसकी जो पूरी तैयारी करनी है वो उसका एक एक्शन प्लान बनेगा। एंड थर्ड, इसके मिटिगेशन के लिए जो करेक्टिव मेजर्स नगर निगम को लेने हैं वो हम लोग लेंगे। इसमें फंड फ्लो भी है, जैसे पहले साल की जो स्टडी है उसमें USAID अपना लगभग 1 करोड़ की राशि से कुछ ऐसे उपकरण खरीद रहा है जो कि शहर में विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएंगे, जो यहाँ के प्रदूषण स्तर को और यहाँ का जो प्रदूषण के कारक हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करेगा। और ये सभी जो प्रदूषण मापक यंत्र हैं वो ऐसी जगहों पर लगाए जाएंगे जो कि अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कुछ जगह स्लम्स में लगाए जाएंगे, कुछ कमर्शियल एरियाज में, कुछ पब्लिक एरियाज, इंडस्ट्रियल एरियाज में, और या मेजर चौराहों पर, ताकि इसका अलग अलग प्रकार से एक बार आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली हो, एनालिसिस प्रॉपरली हो कि किस जगह पर किन चीज़ों की वजह से प्रदूषण फैल रहा है। तो आने वाले समय में ये प्रोग्राम ना सिर्फ इंदौर का जो मेजर कंसर्न आने वाले समय में होगा वायु प्रदूषण को चेक करेगा, बल्कि जो 15th फाइनेंस और जो सस्टेनेबिलिटी के लिए MDG के गोल्स हैं उनको भी बढ़ाने में, उनको भी प्राप्त करने में हम लोगों को सहायता देगा।